आपकी बार लोकसभा चुनावों में 400 पार, क्या लगता है आपको? हमको क्या लगेगा भाई, उसका 400 पार तो आने वाला ही नहीं, वो सिर्फ कहने की बात है। क्योंकि 400 पार तब आता है जब जनता को खुशहाली मिलती और जनता के लिए करते हैं कुछ। जब महंगाई कर रहे हैं तो 400 पार कैसे आएगा? जो गरीबों के लिए कर रहे हैं उन्हें तो जेल में डाल दिया, जनता और पगला गई है, तो 400 पार कैसे आएगी? जो भी जनता देखेगी देगी तो केजरीवाल को ही वोट देगी, क्योंकि 400 पार कहने से 400 पार होता नहीं है। क्योंकि जो भी होगा ना तो आम आदमी पार्टी ही आएगी और हमारे सारे पब्लिक आम आदमी पार्टी को ही वोट देगी, 400 पार पारे में ही चले जाएगा। सरकार महंगाई बढ़ाती हुई सरकार, जिस तरीके से कुचलने वाली सरकार, ईडी के जरिए केजरीवाल जी को शराब घोटाले के मामले में जेल में डाल दिए गए, आपको क्या कहना है इस बारे में? जब भी आपने चाहे जहाँ भी जाए ना, वो तो जीता है ही है, जीतेगा दिल्ली से। या नेताओं ने कुछ मांगा है तो उसको जहाँ भेजा रहे थे वो तो भेजा दिया ना, वो तो दिल्ली से जीता है, जीतेगा। हमारे अब इसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। वो तैयार है, वो तो जीता है ही है, टेंशन का वो जीत जाएगा दिल्ली से, उसके सिवा किसी को वोट नहीं देगा दिल्ली। देखिए आज पूरी भारतवर्ष में इलेक्शन का माहौल है और 5 साल बाद ये जनता को चांस मिलता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से लगातार साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीता और जीते हुए सरकारों को गिराया, जीते हुए एमएलए को खरीदा, एमपीओ को खरीदा, और अब जो इनका दिल्ली सरकार पे वार है ये निश्चित रूप से बहुत ही घिनौनी हरकत है। राजा बनना कोई बुरी बात नहीं, राजा बने हो, दिल्ली के राजा हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए स्टेट वाइज, भारत में बहुत स्टेट है, अलग अलग सबके चुनाव होते हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। इस तरह दिल्ली की जनता ने एक परिवर्तन चाहिए था उनको, उन्होंने परिवर्तन की लहर में आम आदमी पार्टी को स्वीकारा क्योंकि इतनी अच्छी पार्टी थी, और इस पार्टी ने एक मामूली जंतर मंतर से लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे जी के आशीर्वाद से ये काम शुरू किया था और उसके बाद जंतर मंतर, और आज दिल्ली में लगातार इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी को ये लगा कि भाई ये दिल्ली हिंदुस्तान की हमारी राजधानी है और इस राजधानी में मेरा राज नहीं है। दुनिया में कौन तुम्हें पूछ रहा है, क्या कर रहा है, वाह वाह कर रहा है, जिसके घर में पूछ नहीं उसके कहीं पूछ नहीं। तो आज वही मोदी जी की हालत है, इनके घर में कोई पूछ नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता इनको नकारती है। दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में जिस तरह भारत की राजधानी में गरीबों का बुरा हाल है, ये शो करते हैं कि हर आदमी गरीब, इसे निकाल दिया हमने, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, लेकिन निकाला विकाला कुछ नहीं है। दिल्ली में भी गरीब बहुत है, अमीर अमीर ही है, और इन्होंने जो पैसे का दुरुपयोग किया गरीब आदमी का, 3,000 करोड़ की लिबर्टी ऑफ स्टैचू सरदार पटेल की मूर्ति बना दी, क्या मतलब था? दिल्ली में 140 करोड़ जनता है, गरीबी की रेखा के नीचे 70% लोग जी रहे, ये तो कहते नहीं 70% ऊपर है, मैं कहता हूँ दिल्ली में 70% नीचे जी रहे गरीबी से। लोगों को अगर रोज़ काम ना करें, रेडी पट्टी ना लगाएं, छोटी मोटी नौकरियां ना करें, या तो भूखे मरने की नौबत आए। रही रोज़गार की बात, इन्होंने वायदा किया था पिछले चुनाव में कि जी हम रोज़गार देंगे 2 करोड़ हर साल देंगे, कितने दिए? 2 लाख भी नहीं दिए। इस बार भाजपा सरकार का ये कहना है कि लोकसभा 2024 के चुनावों में 400 पार, क्या लगते हैं? देखिए कहने को तो कुछ भी कह दो, जितनी सीटें पार्लियामेंट में नहीं होती ये तो उससे भी ज़्यादा बता देते, इनको नहीं पता बोलना क्या है। 400 पार कह के हुआ बना रहे हैं, कैसे 400 पार हो जाएंगी? इनकी मुश्किल से 150 सीटों का टारगेट है लगभग, और 150 भी आए तो गनीमत समझना। कह के इन्होंने 400 पार हर जगह जुमला हो रहा है इनका आजकल, 400 पार नहीं, ये जाएंगे जमुना पार। इनका आम आदमी पार्टी एक नारा दे रही है अब की बार, दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? निश्चित रूप से ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये संविधान से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। चुनाव ही एक ऐसी ताकत है जनता के पास, बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल जाती हैं और एक वोट से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अमेरिका के 3 राष्ट्रपति केवल एक एक वोटों से जीते थे और कई इलेक्शन इतने हुए बड़े बड़े, एक अमेरिका में भाषा का विवाद चला था कि इंग्लिश या अमेरिकन भाषा चलेगी, वहाँ एक वोट से इंग्लिश भाषा का प्रावधान हुआ। तो वोट की कीमत हमारे को समझनी चाहिए, खासतौर पर मैं युवाओं से अपील करूँगा जो पहली दफ़ा वोट गिरने जा रहे हैं, 18 वर्ष के हो गए हैं, वो कम से कम सोच समझ के अपनी सरकार चुने। और निश्चित रूप से आज जो रुझान अब दिख रहा है तो जनता की ओपिनियन जब जिस तरह आ रही है, अब जनता ने क्लियर कह दिया, तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, 400 कह लो तुम, 500 कह लो, 600 कह लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना जनता पे। जनता के दिल में केजरीवाल जी हैं, आज अगर केजरीवाल जी को अंदर करा है वो उनके दिलों से नहीं निकाल सकते।